ओरियन ने जेनियन स्ट्राइकर्स को अपना पहला मैच हराया था। दोनों विनिंग टीम है ये, गामा और ओरियन 11। अब देखते हैं कि ये मैच कौन जीतता है। बिलाल पहली बॉल डालते हुए, लेकिन ये वाइड, अच्छी पेस से बॉल की थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक लाइन एंड लेंथ नहीं होगी ये पेस किसी काम नहीं आती। अम्माद बैटिंग पे और नॉन स्ट्राइकर एंड पे मुइज हैं, और बिलाल जो है वो बॉलिंग एंड पे। अच्छी ब्लॉक होल्ड में बॉल की, मिस फील्डर, लेकिन कोई रन नहीं बन सका। अच्छी बॉल थी बिलाल की। हम्माद को हमने पहले मैच में भी देखा था, अच्छे बैट्समैन है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी की थी उन्होंने, अच्छे ऑलराउंडर हैं। बिलाल आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेस को जनरेट करते हुए, बिलाल अपनी पेस को आहिस्ता आहिस्ता जनरेट कर रहे हैं। बिलाल हम्माद को बॉलिंग करते हुए, वाइड बॉल, दूसरी वाइड इस ओवर की। देखें अभी तक हमने जितने मैचेस देखे, सबसे हसन मंसूरी कहीं पे हैं तो मेरे पास आ जाए हसन मंसूरी के, एक्स्ट्रास पे अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो स्कोर बिला वजह बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और लो स्कोरिंग गेम में जब आप एक्स्ट्रास करते हैं तो ये जो है मजीद आप पे जो है ना प्रेशर बिल्ड होता है, क्योंकि लो स्कोर गेम है 30 रन अगर बनते हैं उसमें अगर 10-12 वाइटों को दे देते हैं तो वो फाइटिंग टोटल की तरफ चला जाता है, फाइटिंग टोटल की तरफ चला जाता है। और ये एक्स्ट्रास का ही डिफरेंस जो है ना अभी तक जो सही मानों में टीम्स में डिफरेंस साबित हो रहा है। अच्छा पेस और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल। मेरा ख्याल है कि ये डॉट बॉल्स नहीं होनी चाहिए, जिस तरह मेरे ख्याल ये रन था क्योंकि बॉल टकरा के वापस आके लेग स्टंप तक आ चुकी थी, लेकिन बॉलर बैट्समैन जो है हिम्मत नहीं किया बैट्समैन करने की। अब तो जो रेगुलेशन डिसाइड हो चुके हैं ये रात तो उसी तरह से गुजरेगी। फुल टॉस और ये एक और अनदर डॉट बॉल, स्पीड डॉट बॉल प्रेशर बिल्ड करेगी, बैट्समैन फायदा नहीं उठा सके इस फुल टॉस का। मेरे ख्याल से अगर थोड़ी सेट होते हैं विकेट के ऊपर तो अच्छा शॉट जड़ सकते थे यहाँ पे सीधा छक्के के लिए। जो है थोड़ा बैट उनका स्लो आ रहा है, बॉल थोड़ा तेज आ रहा है। अच्छा बॉल, ये प्रॉपर जबरदस्त बॉल, डॉट बॉल। गामा स्पोर्ट्स का पहला बहुत अच्छा ओवर, सिर्फ 2 रन बन पाए हैं पहले ओवर के इख्तिताम में, अच्छा स्टार्ट लिया है गामा ने। बिल्कुल, दोनों विनिंग टीम है, दोनों ने अपने पहले मैचेस बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। बेशक अब देखते हैं थोड़ा टक्कर का मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि ओरियन स्पोर्ट्स अपने आप को मनवा के आई है और गामा स्पोर्ट्स भी अपने आप को मनवा के आई है। ओरियन स्पोर्ट्स ने बॉलर का नाम और गामा जो है मलीर फाल्कन को हरा के आई है। आजम F16, वाह क्या निकनेम है। और ये 360 ग्राउंड का ये छक्का है लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि आपको एक रन भी नहीं दे सकते, एक गली क्रिकेट है 360 ग्राउंड नहीं है तो कोई फायदा नहीं, ये हमारी बॉलें घुमा रहा है सिर्फ। F16 अपनी परवाज लेते हुए, वाइड बॉल, वाइड परवाज हो गई थोड़ी। आपका एम्पायर कॉल कर सकता है, वो आपका कैप्टन कॉल करे। वट्टा है भाई, भाई वट्टा है कॉल आ रही है पीछे से, ओरियन स्पोर्ट्स की तरफ से कॉल आई है कि वट्टा है, एम्पायर चेक किया जाए। और शॉट, लेकिन एम्पायर का देखना होगा इशारा। जीरो रन्स ये बहुत तकलीफ देह होता है जब आप एक इतना अच्छा शॉट मारते हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से शॉट बैट पे आता है और दूर तक जाता है और तकरीबन छक्का भी चला जाता है, लेकिन जब एम्पायर जब जीरो का इशारा करता है तो बहुत तकलीफ देह, बहुत तकलीफ देह मामला होता है, उम्मीदों पे पानी बह जाता है। और ये एच और ये सिंगल, सिर्फ सिंगल। अच्छा ये जो वट्टे की जो आवाज़ें लगा रहे हैं ओरियन वाले, तो इनको हम बता रहे चलें कि भाई ये पिछले मैच में गामा का ये F16 जो है ये 2 ओवर कर चुका है। बिल्कुल, ये F16 जो है ये परवाज ले चुका है पिछले और मैच में। मलीर फाल्कन में से किसी एक बंदे ने इसके एक्शन को पर सवाल नहीं उठाया था। बिल्कुल, और एम्पायर ने रिजेक्ट कर दिया है, एम्पायर ने खातिर खा को इस पे
खातिर में नहीं लाया उस ऑब्जेक्शन को, और ये शॉर्ट शॉट मारा लेकिन कोई फायदा नहीं, जीरो कोई फायदा नहीं, किसी को फायदा हो नहीं, हो हमें नुकसान हो रहा है भाई, बॉल हमारी है सिर्फ बॉले को मारे ये रन नहीं बना रहे भाई, बॉलों का ट्रक मंगा लो उजैर मंसूरी, यार ये इसको हटाना, कौन है मोहसिन, मोहसिन हटना, एक गिम्बल है भाई जी, F16 फिर अपनी परवाज लेते हुए, और शॉट ग्राउंड शॉट, और ये फील्डर को देखना होगा, अच्छा और stop, ये अच्छा अच्छी फील्डिंग, अच्छा थोड़ा सा फंबल हुआ, थोड़ा सा फंबल हुआ, लेकिन एक रन ही मिलेगा, एक एक सही है बिल्कुल, ये अच्छा चौका हो सकता था जो रोक लिया फील्डर ने, लेकिन लतीफ आप स्ट्राइक पे आना पड़ेगा क्योंकि गामा स्पोर्ट्स की बैटिंग आपने देखी लास्ट, उनके अच्छी स्ट्राइक की थी गामा स्पोर्ट्स ने, लेकिन चौके मारे थे, लेकिन इस वक्त ओरियन स्पोर्ट्स कुछ खासा कर नहीं पा रही है बैटिंग में, ये बहुत अच्छा बॉल बिल्कुल हार्ड लैंड पे पिच किया और बॉलर को बैट्समैन को मौका ही नहीं मिला, दो ओवर के इख्तिताम में सिर्फ और सिर्फ 6 रन बने, तो इस रेट पे अगर चलते रहे तो बस फिर तो क्या ही मैं कहूँ, बड़ी हिटें लगानी पड़ेगी इनको, लतीफ एक ओवर आएगा, एक सारे जो है जितने मैच हुए हैं जी, तीसरा या चौथा ओवर जो है ना लूंगा वो हल्का आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चाहे वो उसामा का हो चाहे किसी का भी हो, तो तीसरा ओवर ये आ रहा है, किसका नाम क्या है साहब का, इस्लाम आए हैं बॉलिंग पे, इस्लाम नूर, इस्लाम आए हैं, इस्लाम नूर नूर आए बॉल पे, ये तीसरा ओवर महंगा साबित हो रहा है पूरे थ्रू आउट द मैचेस, लेकिन अब देखना ये है कि ये नूर जो है इस रिवायत को तोड़ते हैं या उसको कंटिन्यू रखते हैं, यार एक और पानी ला दे भाई यार, शॉट फुलटॉस बॉल, और ये सिंगल रन, एक रन, एक रन भागा अंपायर ने, कोशिश की जानी चाहिए कि एक को दो किया जाए, लेकिन एक को दो किया जाए, बॉल एक्चुअली दीवार से लग के फील्डर के हाथ तक पहुंच गई थी, तो वो दो भाग नहीं सकते थे इस मौके पे, नूर इस्लाम अब पिछले मैच में भी उन्होंने अपना अच्छा ओवर किया था, यहाँ पे भी स्टार्ट अच्छा लिया है, फुल टॉस दी थी पहली, बहुत आला पेस, बहुत आला गेंद, बहुत आला लाइन लेंथ, बैट्समैन पेस से डिसीव हुए बिल्कुल, बैट्समैन को पेस समझ नहीं आया यासे, लेकिन जो हम सोच रहे थे कि जो एक हल्का ओवर आएगा ये वो लग नहीं रहा मुझे, नहीं मेरे ख्याल से हो सकता है चौथा आ जाए, हो सकता है चौथा आ जाए, इस्लाम भाई मुझे आता है, एक बॉलर एक लूज होता है, एक हल्का और होता है स्पोर्ट्स, तो उसका ही फायदा उठाना है, बेशक उसी बॉलर का इंतजार है, लेकिन ये शायद नहीं लग रहे, इस्लाम नूर मुझे अच्छे बॉलर लग रहे अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर ने बॉल पकड़ लिया, एक रन ही भागा है बैट्समैन ने, फुल पिच की थी बॉल लेकिन बैट्समैन को इसका फायदा नहीं उठा सके, आठ रन हो चुके हैं, तीन बॉलें हो गई हैं, चौथी बॉल कराते हुए इस्लाम नूर, और एज हुआ है और ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप बहुत अच्छा एफर्ट था, सेकंड 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 राउंड पे पकड़ लिया, सेकंड राउंड पे पकड़ लिया, बहुत अच्छा कैच लिया है, बैट्समैन आउट हो गए हैं, एक दफा उन्होंने कोशिश की फंबल हुआ, दूसरी कोशिश पे इन्होंने बहुत अच्छा कैच लिया, बहुत अच्छा कैच लिया, बहुत तेज बॉल थी, बहुत तेज एज था, और कीपर ने इस तेज बॉल को पहले उसकी पेस को ब्रेक किया, फिर उसके बाद कैच किया, और इस सर्दी की इस रात में ऐसा कैच पकड़ना आसान नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, ये जरा ऊपर चढ़ जाए, बहुत आला बॉल, प्योर यॉर्कर, प्योर यॉर्कर, बैट्समैन समझ ना पाए और पांव से रोका उसको, अगर मेरा ख्याल है जाने देते तो ये वाइट बॉल होता, अगर ये फुल ग्राउंड होता तो प्लम LBW था लेकिन जबरदस्त बॉलिंग इस्लाम नूर की, फिलहाल इस्लाम नूर ने दो रन दिए इस ओवर में, सिर्फ आखिरी बॉल लास्ट बॉल दो रन दिए, और ये कैच, एक और कैच, लेकिन और ये ना कर सके, लेकिन बहुत मुश्किल कैच था, कीपर ये काफी ऊंची थी बॉल, काफी ऊपर बॉल थी, उन्होंने कोशिश की लेकिन हाथ नहीं पहुंचा उनका वहां तक, तीन ओवर के इख्तिताम पे अब सिर्फ 8 रन है, सिर्फ और सिर्फ 8 रन, बहुत अच्छा गामा स्पोर्ट्स ने मैच पे ग्रिप रखी हुई है, यही ग्रिप को लेके आगे चलना है, चौथे ओवर में भी जो है इसी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि एक ओवर लूज आ रहा है, हर मैच में एक ओवर तीसरा या चौथा लूज आता है,
एक ओवर लूज आएगा, ओरियन स्पोर्ट्स उसी का इंतजार कर रही है, उसी ओवर का इंतजार है। तीन ओवर में 8 रन, एक विकेट गिर चुकी है, एक विकेट गिरी है। गामा स्पोर्ट्स बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए, अब देखते हैं बॉल कौन, बॉल करने कौन आ रहा है। सीट क्या है? अवेश हैं बॉलिंग के ऊपर आए हैं, CR7 उनकी शर्ट पे लिखा है, C7 रोनाल्डो के फैन लग रहे हैं मुझे इस वक्त। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो गली क्रिकेट खेलते हुए। अच्छी बॉल, एक और, अनदर कैच, अनदर कैच, ड्रॉप, ड्रॉप कर दिया, बहुत इजी कैच, ये इजी कैच, मुश्किल कैच पकड़ लिया, ड्रॉप किया कीपर ने, मुश्किल कैच पकड़ लिया, आसान ड्रॉप कर दिया। ये होती है क्रिकेट, ये गली क्रिकेट, ये गली क्रिकेट का हुस्न है, कब का ड्रॉप हो जाए कुछ नहीं पता। बहुत आला बॉल, अच्छी लाइन लेंथ के साथ, बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं, शॉर्ट ओवर लेंथ कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को हिट लगाने का, बैट्समैन को रूम बनाना पड़ेगा बैट्समैन को कुछ। गामा स्पोर्ट्स ने लास्ट मैच भी खेला तो तमाम शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें की हैं, बिल्कुल, बैट्समैन को थोड़ा सा रूम लेना पड़ेगा, क्रॉस बैट से खेलना पड़ेगा, सेम स्ट्रेटेजी से उतरे। ये बॉल बहुत अच्छा, और एम्पायर को देखना पड़ेगा, लीगल बॉल है, लीगल बॉल है, मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद वाइड है, लेकिन एम्पायर जाहिर है मुझसे बेहतर पोजीशन के अंदर है वहां पर, और एम्पायर बहुत सख्त है मुझे लग रहा है, हमारी तरफ भी इशारा नहीं कर रहे। बहुत आला, एक और एज, और अनदर एज, एक रन इशारा, एक रन, एम्पायर ने हमारी तरफ इशारा किया, एम्पायर का बहुत बहुत शुक्रिया, एम्पायर के लिए तालियां। स्लोअर वन, और बहुत अच्छा पिक किया, छक्का, और छे, बहुत प्यारा शॉट, सीधा स्ट्रेट सिक्स लगाया बैट्समैन ने, पांव के नीचे, पांव के नीचे से उठाया बॉल, बहुत मुश्किल, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर शॉट लगा मुझे, थोड़ा सा देखे जहां पे इन्होंने अपनी लेंथ मिस की ना, तो बैट्समैन ने फिर कोई मौका नहीं जाने दिया। ये एक बड़ी टीम और बड़े प्लेयर की निशानी होती है, बिल्कुल, कि वो ताक में रहता है कि कब बॉलर गलती करे, कब कोई गलती करे तो मैं उसका फायदा उठाऊं, और बहुत अच्छा फायदा उठाया बैट्समैन ने, बैट्समैन का नाम मुझे नहीं पता, खान जई ने बहुत अच्छा फायदा उठाया, पांव के नीचे से बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन को पार भेजा। अवेश बॉलिंग करते हुए, एक और शॉट आ रही है, कैच, बहुत कैच ड्रॉप किया, लेकिन और ये हमारे पास बॉल, लेकिन हम फील्ड नहीं कर सकते हैं, मजबूर हैं। यासिर बड़े अच्छा, आपने अपना बच बचाओ भी किया और बॉल को अपना हाथ भी नहीं लगाया, बिल्कुल भाई, लेकिन नॉन बाइस कमेंटेटर से हम किसी की साइड नहीं ले रहे भाई, हमने भी क्रिकेट खेली है बॉल से वाले, इसी तरह बचते थे बॉल से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 ओवर्स में 18 रन, बहुत कम है, बहुत कम है। ओरियन स्पोर्ट्स, ओरियन स्पोर्ट्स सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा, ओरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन को सोचना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अगले 2 ओवर्स के लिए, किस तरह से ये 40 के करीब लेके जाते हैं मैच को, ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, सर जोड़ना पड़ेगा, पीछे मैनेजमेंट बैठी होगी ओरियन स्पोर्ट्स की, वो उसको आगे सोचना पड़ेगा कि 18 से 36 या 40 किस तरह नजर आ रही है। बिलाल अपना दूसरा ओवर डालने को आ रहे हैं, और ये बिलाल ने वाइड की, मेरा ख्याल है जो जिस ओवर का इंतजार था वो आ गया। और ये रन आउट का मौका, और बच गए, पहुंच गए बैट्समैन पहुंच गए, और 2 रन आ गए बिना बॉल के 2 रन। ये देखिए, जिस ओवर का इंतजार था ओरियन को, शायद वो ये ओवर आ गया। अच्छा, बिलाल ने अपना जो पहला ओवर डाला था ना, उसके अंदर अच्छा 2 वाइडें तो कम से कम थी। तो इन्होंने इस ओवर का स्टार्ट भी वाइड से किया है, बॉलर थोड़ा प्रेशर में। ओ, ये तो डब्बा बजा दिया इन्होंने, डब्बा बजाया, बिलाल को गुस्सा आ गया, बिलाल को आपकी बातें बुरी लग गई मुझे लगता है, बिलाल ने सुन लिया भाई, सुन लिया, और जो पक्का ही और कर मारा है, डब्बा बजाया। ये कौन बैट्समैन आ रहा है, घोटी ये भाई, ये तो इनके तो शरारती कांड भी नहीं बना होगा अब तक मेरे ख्याल से। यार ये देख लो, ये तो अंडर एज लग रहा है मुझे, घोटी 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 घोटी। गोटी का अच्छा शॉट, ओए ओए ओए, बहुत आला, दो तीसरा बनेगा 2 रन। भाग ही नहीं रहते, गोटी ने इतना स्लो रन भागा है, तीसरा 3 रन। ये गोटी
छोटा है लेकिन बड़ी वाली बैटरी लगी हुई है। छोटा पैक बड़ा धमाका गोटी। शाबाश गोटी, बहुत अच्छा शॉट मारा बिलाल। अपना दूसरा ओवर करते हुए और ये बहुत अच्छा यॉर्कर, बहुत प्यारा यॉर्कर। बिलाल एक बॉल अच्छा करता है, दूसरा बॉल लूज करता है। बिल्कुल, बिलाल का पैटर्न यही चल रहा है, लेकिन कम से कम बस एटलीस्ट वाइडे ना करें तो आसानी होगी काफी। थोड़ा सा कर लेनी चाहिए एक दो वाइडे तक, कांटे का मैच हो। कर चुके हैं दो दो वाइडे। बॉल ये बहुत, एक रन कंसीव कर लिया, ये रन नहीं छोड़ने चाहिए। अंपायर का इशारा हमारी जानिब देखते हुए बहुत खुशी हुई मुझे। बिल्कुल अंपायर अगेन शुक्रिया आपका, वरना अंपायर हम ऐसा लग रहा था हमसे नाराज है अंपायर। बहुत बहुत आला एम्पायर का देखना, फैसला देखना होगा कि ये बीमार है या क्या है। लीगल बॉल है एम्पायर, लीगल बॉल है। असल में जो बैट्समैन है वो थोड़ा सा विकेट से थोड़ा सा ऊपर है। आखिरी बॉल ओवर की, 24 रन हो चुके हैं। बहुत आला बिलाल, बहुत आला बॉल, जबरदस्त पेस पे बॉल की, ओवर का इख्तिताम। 24 रन, दो खिलाड़ी आउट, 5 ओवर हो चुके हैं, आखिरी ओवर है अब। यासिर चक्की आए हैं बॉलिंग के ऊपर, अनस चक्की, इनको हमने पहले मैच के अंदर भी देखा था छक्का मारा। बैटिंग में तो बहुत अच्छी शानदार बैटिंग की थी, बॉलिंग में भी की थी उन्होंने। चक्की क्या करते हैं, बहुत जबरदस्त शॉट, लेकिन अफसोस, बहुत प्यारा शॉट। और अंपायर का फैसला, 6 अंपायर ने छक्का दे दिया, 6 दिया है। मुझे लगा कि शायद ये डॉट बॉल है, 6 दिया है। मुझे भी डॉट बॉल लग रही थी कि डॉट बॉल होगी, लेकिन अंपायर हमसे बेहतर जानते हैं। अंपायर का फैसला अटल है, हमसे बेहतर जानते हैं। हम अपनी जाति राय दे सकते हैं, लेकिन अंपायर का फैसला अटल है। अंपायर ने छक्के का इशारा, अंपायर ने 6 रन का दिया इशारा, 6 रन कंफर्म हो गए भाई, 6 रन कंफर्म हो गया। 30 रन हो गए हैं। सिद्दीक का शॉट, छक्का, अब देखते हैं सिद्दीक क्या कर सकते हैं अगली बॉल पे। बहुत आला बॉल किया, बीट किया, और 22 का इशारा अंपायर की जानिब से। गोटी वापस आए स्ट्राइक, गोटी मुझे लग रहा है कि वो गोटी अच्छे रनर है। 31 रन हो गए हैं, अभी भी मेरे ख्याल से 4 बॉले बाकी हैं, 40 तक हिट कर सकते हैं नहीं, ये देखना है। शॉट गोटी का, और ये डॉट बॉल। अनस चक्की एक अच्छी बॉल थी। गोटी मुझे कोई 16-17 साल का बच्चा लग रहा है, शनाख्ती कार्ड तो नहीं बना पक्की बात है। लेकिन बड़ी बात है कि इतनी पेस में खेल रहा है, सही बात है। शॉट और बॉल, एम्पायर का फैसला देखना होगा। एक रन 32 हो चुके हैं, 2 बॉले बाकी हैं सिर्फ। 40 का क्या मैजिक फिगर वो हिट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये देखना है। 2 बॉले बाकी हैं, 34 रन हैं, बस 6-6 रन हाँ। 34 रन, फाइटिंग इस टोटल की तरफ बढ़ गए। और ये बॉल बीट कराया, जबरदस्त बॉल चकी की, आउट हो गया, एज लगा है मेरे ख्याल से। अच्छा ये डब्बा बजे, लेकिन हमें आवाज नहीं आई यहाँ तक। एज लगा है मेरे ख्याल से, कॉट बिहाइंड हुए। सल्लू एक बॉल पे छक्का मारते हैं और 40 का टोटल क्रॉस करते हैं या नहीं, देखना पड़ेगा इस बॉल पे। चक्की की बॉलिंग बिल्कुल, और ये रन आउट। 33 टू विन है गामा के लिए, 33 रन का टारगेट। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, 34 का रन जो है फाइटिंग स्कोर है। गामा स्पोर्ट्स और ओरियन स्पोर्ट्स 5 मिनट में अपनी फील्डिंग सेट करें, और गामा स्पोर्ट्स 5 मिनट में अपने ओपनर भेज दें, वरना पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। जो सामने आए पीलता जा, झेलता जा, तू मुश्किलें सब झेलता जा, लौंडे हो रे खबरी और तू लौंडे लेके घेरता जा। घबराया क्यों है इतना, पिच समझ नहीं आ रही क्या, किधर शॉट मार रहा है बॉल नजर नहीं आ रही क्या। लाहौर से कराची बजे अपना नाम, क्योंकि अलग अपना सीन, अपने लोग अपना काम। हां
सबको मसल छोड़ना कसर अपनी हसल लेते डसल हो कोई बेमान या कोई खतरी सबकी तोड़ी हमने अकड़ देते टकर लेके टबर रकड़ बकड़ फिंगर स्पिन इनको देख देती कैसे कैसे चक्कर हाँ संडे की हो सुबह या फिर संडे की हो शाम क्रिकेट होगी पहले जानी देखे जाएंगे बाकी काम बिना घुमा फेरा के करता हूँ मैं सीधी बात महबूब की गली में भी तोड़े हैं हमने शीशे बॉल हैंड इन द एयर ये है गली क्रिकेट सज्जा लाया खब्बा सबकी उन्हीं विकेट हाई बनी ऐसी और ये स्पोर्ट्स की तरफ से बॉलर का नाम बता दीजिएगा कोई आशु अशद अपना पहला ओवर अशद अपना पहला ओवर करते हुए और अवेश और गामा ये बैटिंग के ऊपर बिल्कुल वो उसने कहा कि मैं जो है अपनी टीम को खुद जो है आशु पहला बॉल कर रहे और अच्छा बॉल पहला बॉल डॉट रन ये फील्डिंग इसी तरह की रखनी पड़ेगी ये जो फील्डिंग रोक रहे हैं ये जो सिंगल रोक रहे हैं बॉल हालांकि स्ट्राइक किया था लेकिन फील्डर्स की वजह से रन ना बन सका आशु दूसरी बॉल एक जबरदस्त शॉट बॉल पे 6 रन 6 इनिंग्स का शानदार आगाज बेहतरीन आगाज गामा स्पोर्ट्स की तरफ से जो कि इनसे जो है मुतवक्का था कि इसी तरह का स्टार्ट लेंगे हाँ पहले मैच में भी अपना इसी तरह का स्टार्ट लिया था इन्होंने और बहुत बेहतरीन बहुत अच्छी इंटेंट के साथ एग्रेसिव इंटेंट होती है इनकी और एक और ये सिंगल रन होगा और ये ओवर थ्रो लेकिन बच गया एक रन पहले ओवर में एक छक्का आ जाना बॉलर को आधा अंडर प्रेशर कर देता है क्यों लतीफ बिल्कुल और इस रात का मेरे ख्याल से पहले ओवर का पहला छक्का ये किसी भी मैच में पहले ओवर में छक्का नहीं आया था बिल्कुल अभी आप देखते रहे आगे आगे होता है क्या आशु की अच्छा कमबैक आशु का अच्छा कमबैक और आशु देखें ये वही बॉलर है जिन्होंने पहले मैच में 2-3 विकेट ली थी तो बॉलिंग इनकी शानदार है अब इस मैच में अंडर प्रेशर डिलीवर करते हैं कि नहीं ये देखना है वो जो छक्का पड़ा है वो स्लॉट के अंदर गेंद दे दी थी ये एक और शॉट लेकिन मेरा ख्याल है एक रन होगा ये अंपायर का फैसला चार रन बहुत बढ़िया ये बहुत ज्यादा बढ़िया ये मुझे सेम आशु नहीं लग रहे जो पहला मैच खेले थे ये आशु बदल गए अब आशु के सामने गामा स्पोर्ट्स है अब गामा स्पोर्ट्स है बिल्कुल आशु अंडर प्रेशर बॉलर बिल्कुल अंडर प्रेशर लाइन और लेंथ खो चुके हैं और वाइड बॉल देखे एक छक्का एक चौका खाने के बाद देखे ये आशु किस हिसाब से पहले मैच में बॉल करके गए थे और देखे एक बाउंड्री से कितना बड़ा फायदा नुकसान हुआ पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया है आशु का उस एक छक्के और इस चौके के बाद बहुत अच्छा बॉल ये लेकिन ये कमबैक बॉल किया बैट्समैन ने बीट किया लेकिन पूरा अच्छे तरीके से आ गए थे बैट्समैन बॉल पे पहले ओवर के इख्तिताम में 13 रन बन चुके हैं गामा के बहुत अच्छा स्टार्ट दिया 13 रन बहुत जबरदस्त स्टार्ट है 13 रन खेलता जा लड़के बस तू खेलता जा पेलता जा जो सामने आए मेरे ख्याल से अब तक जितने मैचेस हुए पहले ओवर में 13 रन किसी टीम ने नहीं बनाए थे जो गामा ने बनाए अभी इस मैच में गामा ने पहले गामा की बैटिंग लाइनअप अच्छी है डेफिनेटली देख बहुत अच्छा शॉट और ये एक रन और एक रन बनेगा काफी अंडर कंट्रोल लग रहे हैं अगर विकेट नहीं गिरी ना तो ये इजी लग रहा है कि गामा जीत जाएगा ओरियन स्पोर्ट्स की बॉलिंग अच्छी थी अपना आशु ने भी अच्छी बॉलिंग की थी लेकिन अभी वो उस तरह का इंटेंट नज़र नहीं आ रहा है इनका कि विकेट टेकिंग डिलीवरीज जो है वो आशु की तरफ से कम दिखाई गई हैं बॉल जो है बैट के नीचे दे रहे हैं ज़्यादातर ये बॉल होती है जो विकेट टेकिंग डिलीवरी होती है और ये बहुत बहुत बेहतरीन रन ये रन और ये अग्रेशन चाहिए बैट्समैन में ये अग्रेशन चाहिए नॉन स्ट्राइकर एंड बहुत बॉल को देख के वो जो है रन लेने निकल गए और उनको इतना एतमाद था अपने ऊपर के वो पूरा रन कंप्लीट कर लेके जो कि उन्होंने किया फैजान बॉल करते हुए बेहतरीन शॉट और ये 4 रन मिसफील्ड
देखिए जब इतने कम रन ऑन द बोर्ड होना और ऐसे मौकों पे अगर आप मिस फील्ड करो तो भाई फिर आपको जीतने का हक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं जीत सकते फिर, और आप जीत सक इरादा भी नहीं है और आप जीतते भी नहीं है, जीतते भी नहीं। इतने कम टारगेट के ऊपर सिर्फ 33 रन देखे जीतने के लिए चाहिए। और यहाँ बॉलर का मोरल अलग डाउन होता है, फील्डर का मोरल अलग, बैट्समैन का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बिल्ड होता है डेफिनेट। ओवेस फेस करते हुए बॉलिंग, और ओवेस ने शॉट मारा लेग स्टंप पे, और मेरा ख्याल है कि ये हम अपना बच बचाओ करते हुए बॉल को मिस कर दिया हमने। बिल्कुल, मुझे इंतजामिया से एक हेलमेट चाहिए होगी। बार बार वो यहीं पर ही मार रहा है भाई। गामा, इनके नाम पे जो है इनकी टीम का नाम है गामा स्पोर्ट्स, और बहुत प्यारा क्या, और ये मिस शॉट गामा का, और ये रन आउट हो सकता था, ये रन आउट हो सकता था, लेकिन फील्डर की मिस फील्ड। लेकिन बहुत मुश्किल होता है गली में फील्ड करना, सही बात है, बिकॉज हम यहाँ बैठ के आसान लगता है लेकिन जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज देखिए रीबाउंड होके आ रही होती है, कभी बॉल की स्पीड तेज हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है रीबाउंड के बाद। बिल्कुल अच्छा शॉट ओवेस का बॉल, लेकिन बिल्डिंग से लग के सिर्फ एक रन। आप गामा स्पोर्ट्स के लिए एक एक रन भी मिलता रहे तो विनिंग टोटल की तरफ पहुंच जाएंगे। देखिए 21 रन तो हो चुके हैं दो ओवर के इख्तिताम में, तो कितने रन चाहिए अभी, और 10 12 रन चाहिए। आपको क्या लगता है कि चौथे ओवर तक बात जाएगी कि तीसरा ओवर? गामा स्पोर्ट्स का पहले मैच भी 4 ओवर में किया था, 4 ओवर में ही कर 4 ओवर। ठीक है जी, मैं आपकी प्रेडिक्शन नोट कर ली है, आपका कहना है 4 ओवर में मैच खत्म है। जिस तरह से गामा और जो है खेल रहे हैं, गामा और गामा 11, गामा और गामा 11 उनके साथ जो पार्टनर है ओवेस है, दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। माशाल्लाह 6 फीट से ऊपर है ओवेस। ओवेस के जो शॉट थे ना शुरू में पहले दूसरे ओवर में बहुत आला, बहुत अच्छे, बहुत आला। पूरे बैट पे बॉल का इंतजार करते हैं, पूरा बॉल को आने देते हैं, उसके बाद मारते हैं। ये देखिए ये पूरा बॉल पे आते हैं और फाइन लेग की तरफ खेलते हैं, और ये सिंगल तेजी करनी पड़ेगी बैट्समैन को। रन कंप्लीट किया उन्होंने अपना, ठीक है सिंगल आ गया, बहुत है इनके लिए, कंप्लीटली इन कंट्रोल है। बस ओरियन स्पोर्ट्स के जीतने का एक ही चांस है कि कोई बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स। ओरियन स्पोर्ट्स के लड़के मुझे थोड़ा डाउन नजर आ रहे हैं, प्रेशर है, एक दूसरे को बैक भी नहीं कर रहे हैं। मुजम्मिल बॉलिंग करते हुए ओवेस गामा को, बहुत प्यारा बॉल, स्लोअर वन डॉट बॉल, इस तरह का पूरा 1 से 2 ओवर चाहिए। ओरियन स्पोर्ट्स को चाहिए कि बॉलर को बैक करें। जब भी टीम डाउन होती है तो कैप्टन का काम होता है कि वो अपनी टीम को उठाए। देखिए कैप्टन ओरियन 11 से इनको ये चीज कॉपी देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। बैट्समैन रिटायर हुए, अच्छा नया बैट्समैन कौन है? गामा शायद मेरे ख्याल से रिटायर्ड हट हुए जी। गामा जो खुद थे बैट्समैन वो रिटायर हुए, एक दूसरा बैट्समैन आया है उनकी जगह, बेबो ने गामा को रिप्लेस किया है। आई थिंक शायद पाव में कोई इशू है गामा के, या कोई चोट लग गई है, उन्होंने सोचा कि भाई ये तो विकेट ले नहीं पा रहे, मैं खुद ही आउट हो जाऊं। हाँ, वो अपने आप को मेन मैच के लिए सेमीफाइनल के लिए फिट रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और ये देखे प्रॉपर शॉट, ओवेस प्रॉपर शॉट लेकिन जीरो, लेकिन और ये नीचे एम्पायर का फैसला देखना होगा। ओवेस का जो एक बैट स्पीड है आप वो देखे, लतीफ जबरदस्त है, बहुत अच्छी बैट स्पीड है, और प्रॉपर उनका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो देखे, बैट पे बॉल जब पिच होता है फौरन स्पीड में बैट आता है, और क्लीन शॉट्स मारते हैं, ये कोई एजेस वगैरह या कोई क्रॉस बैटेड शॉट्स नहीं है, स्ट्रेट बैटेड शॉट्स है। एक रन डिफेंड किया, बॉल को डिफेंड किया, और ये होना भी चाहिए, आपको बॉल को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अच्छी बॉल है आप डिफेंड करें, उस पर स्ट्राइक लेंगे तो आपके विकेट जाने का खतरा होता है। एक बॉल बाकी ओवर के अंदर, 25 रन हो गए, सिर्फ 8 रन दरकार। वाइड बॉल, वाइड बॉल, इतने कम टारगेट पे ये नहीं करना, ये नहीं करना, कम टोटल में वाइड बॉल प्लस प्रेशर बॉलर पे टीम पे। ओरियन स्पोर्ट्स बिल्कुल डाउन हो रही है, बिल्कुल डाउन हो गई है। फादी खेलते हुए शॉट, और देखना होगा कि ये कैच हो सकता है। ओ, व्हाट अ ब्रिलियंट कैच, व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द नाइट, कैच ऑफ द नाइट, ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकता है। बहुत आला, सिंगल हैंड से कैच लिया, बहुत मुश्किल होता है जज करना,
सिंगल एज कैच ऑफ द नाइट, कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकता है। बहुत आला नाम किया है भाई आपका। सिड, सिड का कैच, इमाद, बहुत प्यारा कैच, बाउंड्री पे एक 6 रन को आउट में तब्दील किया। बहुत प्यारा कैच। ओरियन स्पोर्ट्स, एक दूसरे को बैक करो। ओरियन स्पोर्ट्स के लड़के डाउन लग रहे, ये डाउन नहीं होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, अमाद मैडी बॉलिंग करते हुए, बहुत आला रन डॉट डॉट बॉल अमाद मैडी की जानिब से। मैडी को कुछ करना पड़ेगा इस ओवर को, डॉट या एक रन पे निकालना पड़ेगा, टीम को डुबोने से बचाना पड़ेगा। मैडी, ओरियन स्पोर्ट्स की तमाम तर उम्मीदें मैडी से, ओरियन स्पोर्ट्स। और डेफिनेटली उस कैच के बाद लड़कों में थोड़ा कॉन्फिडेंस जान आई है, अभी भी जिंदा है वो मैच के अंदर। बिल्कुल, शॉट और डॉट एम्पायर का फैसला, छक्का छक्का, एम्पायर का फैसला देखना है। एम्पायर छक्का छक्का डॉट 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 बॉल इशारा एम्पायर का। लेकिन अवेश जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं ना, ये छक्के के बहुत करीब था लेकिन थोड़ा सा रह गया। शॉट और ये देखना होगा, बहुत अच्छी फील्डिंग। ओ डायरेक्ट हिट मैटर करती थी, डायरेक्ट हिट मैटर करती अगर डायरेक्ट हिट लगती, और बहुत बड़ी विकेट जाती अवेश की। ओरियन स्पोर्ट्स से डायरेक्ट हिट मिस की। मैडी बहुत अच्छा एफर्ट था फील्ड के अंदर ये, क्योंकि बहुत तेज बॉल थी। बहुत अच्छा बॉल, डॉट बॉल, डॉट बॉल जान पैदा करेगा ओरियन स्पोर्ट्स में, डॉट बॉल जान पैदा करेगा। सिर्फ 7 रन रिक्वायर्ड, 2 बॉलें बाकी ओवर में, 6 रन कैच और ये विकेट, और विकेट गई। डबल हैंड कैच, बहुत आला। मैडी ने बॉल को इसकी स्पीड ब्रेक की अपने एक एफर्ट से, और जो फील्डर थे मिड ऑफ के ऊपर उन्होंने कैच पकड़ा है खानजाई। मैडी, ओरियन स्पोर्ट्स अपनी बका की आखिरी जंग लड़ते हुए, 6 रन रिक्वायर्ड, और ये अनंत चक्की अब आए हैं विकेट के ऊपर। अब देखते हैं क्या करते हैं। अनंत चक्की कैच है, कैच पर कैच और ड्रॉप कर दिया, लेकिन मुश्किल कैच था, मुश्किल टास्क था। एक रन का इशारा अंपायर का, अंपायर की तरफ से एक रन का इशारा, 5 रन रिक्वायर्ड। ओवर के मेरा ख्याल है 28 for 2, 4 ओवर्स खत्म हो गए 28 for 2। मेरा ख्याल है कि अब गामा स्पोर्ट्स को कोई लूज शॉट नहीं खेलना चाहिए। 2 ओवर है, 4 रन है, 5 रन है, 5 रन है, इजीली अचीवेबल है, इजी बन सकते हैं और बनने चाहिए। अनस चक्की ने पहले मैच के अंदर भी एक अच्छा शॉट लगाया था, अगर यहाँ पे एक चौका पड़ गया तो अब मैच बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लगा दे, खान से ही आए हैं बॉलिंग के ऊपर। अच्छा आप देख रहे हैं, और नो बॉल पे रन भी आ गया। बीमर थी ये, एक बहुत डेंजरस बॉल थी। फ्री हिट का देखना पड़ेगा, फ्री हिट, और मेरा ख्याल है इस बॉल पे पूरा हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। और स्ट्राइक पे भी ओवेस आए, 3 रन, 3 रन रिक्वायर्ड। फॉर्म बैट्समैन गामा स्पोर्ट्स टिके हुए हैं, ओवेस फुल टॉस, लेकिन रन नहीं, लेकिन डॉट बॉल, ना 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 ना, ये एग्रेशन आपको मजीद नुकसान पहुंचाएगा। खान जाई अवेश को बॉल डालते हुए, अवेश ने स्लो बॉल पिक किया, सिंगल रन। कितने रन चाहिए? बस सिर्फ अब 2 रन दूर हैं गामा इस मैच को जीतने से, सिर्फ 2 रन। अनस चक्की बैटिंग के ऊपर आए हैं, खान जाई बॉलिंग के ऊपर हैं, 2 रन रिक्वायर्ड हैं जीत के लिए। एक अच्छी बॉल, अच्छा शॉट और कैच, ये कैच हो सकता है, कौन करेगा? 3-3 प्लेयर अंदर, और ये ड्रॉप, दोनों फील्डर्स के बीच में मिस जज किया है,
और एक रन बना है, मैच टाई हो गया है यहाँ पे, जज नहीं कर पाए। दोनों फील्डर्स एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे तुम्हें पकड़ना था, वो कह रहे तुम्हें पकड़ना था, लेकिन भाई पकड़ने से बात बनती है, ब्लेम करने से बात नहीं बनती है। खान सही ओवेस को बॉल करते हुए स्कोर टाई हो गए हैं। वाइट बॉल यार, मैच खत्म, मैच खत्म जी। गामा स्पोर्ट्स ने सिंगल हैंडेडली मैच जीत लिया है। अवेश ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अवेश अवेश दो मिनट हमसे बात कर, अवेश दो मिनट अगर इधर आ जाए, अवेश अवेश दो मिनट आ जाए, बताएं अपनी बैटिंग के बारे में, बताएं कि बॉल क्या इजी लग रहा था, कैसे शॉट्स खेले आपने और जो आपने हिटिंग की है कैसा कैसा लग रहा है आपको? ये मेरे ख्याल से पहली दफ़ा हुआ है आज मेरे साथ, इससे पहले मैंने कभी इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की थी। हाँ, तो फर्स्ट टाइम है, कोशिश कर रहा हूँ और बेहतर करूँ। जबरदस्त, और नॉट आउट रहे हैं आप, ओपन करने ओपन की थी आपने बैटिंग और नॉट आउट वापस आए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। महबूब की गली में भी तोड़े हैं हमने शीशे बॉल। गामा स्पोर्ट्स वर्सेस ओरियन स्पोर्ट्स, गामा स्पोर्ट्स ने बहुत ही वन साइडेड अफेयर खेला, बहुत ही वन साइडेड मैच खेला, और गामा स्पोर्ट्स की बैटिंग पहले मैच में भी आला थी, इस मैच में भी आला थी।